सिंडिकेट ऑफिस में गोलीकांड के बाद आज इंदौर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। इंदौर पुलिस ने दो आरोपियों को भोपाल बाईपास से गिरफ्तार किया है। चिंटू ठाकुर, सतीश भाऊ, इन दोनों आरोपियों को इंदौर पुलिस ने भोपाल बाईपास से मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। उसी के साथ हेमू ठाकुर जो मुख्य आरोपी है वह फिलहाल इंदौर पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर है। लगातार इंदौर पुलिस जो है अलग अलग टीमें बनाकर इन आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फिलहाल फरार है और अन्य प्रकरण में कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है उनकी भूमिका की। वहीं बात करें सिंडिकेट ऑफिस पर पथराव को लेकर, पुलिस ने पथराव के जो वीडियो थे उस आधार पर तकरीबन 5 लोगों को ट्रैप किया है। अभी फिलहाल 5 लोग पुलिस की रडार पर हैं, उनके खिलाफ भी जल्द कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं अब लगातार इंदौर पुलिस दोनों ही आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और इस पूरे विवाद की जड़ को खोदने में लगी हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि दोनों ही आरोपी अभी फिलहाल पुलिस को कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हेमू ठाकुर है वह लगातार पुलिस की रडार से बाहर होता जा रहा है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी के साथ यह देखा जा रहा है कि इंदौर नगर निगम भी इन तीनों ही आरोपियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर चुका है और जल्द से जल्द उन अवैध संपत्तियों पर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं उसी के साथ फिलहाल तीनों ही आरोपियों को रासुका भी लगाई जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर करने के मूड में इंदौर पुलिस है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।